हेलो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अक्टी गेमर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग वापस से खेलने वाले माइनक्राफ्ट का एक हॉरर मैप, और ये मैप कुछ ज़्यादा ही हॉरर है। पर उससे पहले मेरी एक्सपी देखो भाई, एक्सपी मेरी कितनी सारी है, 202 एक्सपी। अगर इतनी सर्वाइवल में होती तो हम लोग क्या ना क्या कर डालते। चलो कोई नहीं, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग इंट्रो देख लो, फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम अपने पेट को उठा लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ले जा पाए तो पेट को लेके जाएंगे अपनी हॉन्टेड टनल में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, इनको हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और यहाँ पे प्रेस टू फॉर, अच्छा स्टोरी के लिए है। स्टोरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी नहीं आ गई भाई। 13 माइनर डाइट कॉज ऑफ, 13 माइनर्स मर भी गए यहाँ पे भाई। स्टोरी कुछ ज़्यादा ही खतरनाक है। चलो छोड़ो, प्रेस टू स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करते ही ये क्या हो गया नीचे। अबे यार, मेरे दोनों पेट्स मर गए और मैं भी मरने जा रहा हूँ। अबे बच गया, ये क्या हुआ अचानक से। तो स्टार्ट हो गया अपना हॉन्टेड टनल, लिख के आ गया यहाँ पे। आज तो हम लोग यहाँ से हॉन्टेड टनल की मिस्ट्री सुलझा के ही जाएंगे। तो सामने एक चेस्ट रखी हुई है, पर उससे पहले यहाँ पे रखा केक खाओ। मैंने केक देख लिया था भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। पहले ये बताओ कि मुझे भूख नहीं लगी तो मैं केक कैसे खा पा रहा हूँ भाई। सच में हॉरर काम चल रहा है यहाँ पे। और सेफ्टी फर्स्ट, हाँ सेफ्टी फर्स्ट जरूरी है। फ्लैश लाइट इसमें कहाँ से आ गई, माइनक्राफ्ट में कब फ्लैश लाइट आ गई भाई। टेक्सचर डाला होगा फ्लैश लाइट का, और क्या। तो भैया हमको यहाँ पे सुलझानी है माइनर्स वाली मिस्ट्री, कि आखिर 13 के 13 माइनर्स यहाँ पे मरे क्यों। चलो देखते हैं। और दरवाज़ा खोलो। अबे भाई आते ही डराने लग गए, ये खोपड़ी मुझे नहीं डरा पाएंगी, इतना तो मैं साहस रखता हूँ। और ये फ्लैश लाइट नाइट विजन देती है हमको। मुझे लगा फ्लैश लाइट वैसे जलेगी जैसे हर हॉरर गेम में जलती है। चलो कोई नहीं, तब भी बहुत अच्छी फ्लैश लाइट है, ये तो पूरा उजाला ही कर दे रही है। और ये कैसी आवाज़ें आने लगी यहाँ पर आते ही, सीढ़ियाँ तो उतर लेने दो। अभी हम लोग घुस चुके हैं मेन टनल में, यहाँ पे आएगा असली मज़ा भाई। आगे एक और डोर लगा हुआ है, क्या मज़ा आएगा यहाँ पे। डोर खोलो, चलते हैं, क्योंकि ये असली टनल यहीं से शुरू होती है, वहाँ पर लिखा था साइन बोर्ड पर। और ये क्या है यहाँ पर, इधर मुझे लगता है। अरे भाई ये क्या हुआ, अभी ऑटोमेटिक ये कैसे आ रही है अपने आप, कुछ भी। अच्छा यहाँ पे पावर ड्रेल लगी हुई है, मुझे लगा ऑटोमेटिक अपने आप कैसे आ रही है। भाई साहब ये क्या है यहाँ पर। तो स्टोरेज रूम के अंदर हमको ढूंढनी चाबी, पर फिर से आ गया भाई, रिएक्शन देना था क्या। यहाँ पे मिलेगी हमको चाबी, कोई चाबी मिलेगी हमको जिससे वो दरवाज़ा खुलेगा। अब मुझे ये नहीं पता चाबी दिखती कैसी है। तो मिल गई चाबी, गोल्डन की नाम है इसका। अच्छा ये गोल्डन की है, तो आगे वाली चाबी हमको सिल्वर प्लेटिनम ऐसे करके मिलेंगी क्या। चलो देखते हैं आगे चल के देखेंगे। अब इधर वाला दरवाज़ा खोलते हैं और चलते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलेगा हमको। और ये दरवाज़ा खोला हमने वापस से। अबे ये पोर्टल बना रखी है कि दरवाज़ा बना रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हर जगह टेलीपोर्ट ही करते रहते हैं हमको। और यहाँ पे हमको एक और दरवाज़ा मिल चुका है। अबे भाई साहब, अबे ये क्या है यार, कभी भी डराने चले जाते हो। कंट्रोलर मेरा नीचे है, तुम ऊपर डरा रहे हो, क्या चल रहा है। यहाँ पे भी दो रास्ते हैं जिनमें जाला लगा हुआ है, और ये दरवाज़ा मुझे मालूम है किसे ही खुलेगा। देखते हैं किधर चलना है हमको, इधर चलते हैं क्योंकि इधर वाला रास्ता मुझे क्लियर दिख रहा है, उधर वाला क्लियर नहीं दिख रहा है। इधर ही मिलेगा जो मिलेगा हमको, इधर चलते हैं। आखिरकार निकला तो भाई, एक तो स्लोनेस दे रखी है, उसके बाद जाले में भी फंसा देते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसे मैं डरूंगा नहीं, लेकिन गुस्सा ज़रूर लग जाएगी। यहाँ पे है हब, हाँ मतलब अबे टकलू से कौन डलेगा इससे, काली खोपड़ी वाले भेड़िए, हट तेरी ऐसी की तैसी, तुझसे कौन डरेगा। यहाँ पर एक लाइब्रेरी है, फिर से आ गया भाई, लेकिन अब की बार मैं डरा नहीं, पता नहीं क्यों आ रहा है जब मैं डरता ही नहीं तो। लेकिन मानना पड़ेगा गेम काफ़ी ज़्यादा हॉरर है। और ये दुनिया भर के इफेक्ट्स तुम लोग दे दो भाई मुझे, इतने सारे इफेक्ट्स मिल जाते हैं, मैं डरूंगा यार, गुस्सा लगेगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर भी एक चाबी मिल सकती है शायद हमको, डायमंड भाई डायमंड मिल रहे हैं। और यहाँ पे ये क्या हुआ, बेडरॉक आ गया अचानक से भाई। ओनो क्यों डाल रहे हो, मैं कुछ और बोल रहा हूँ यहाँ पे। और यहाँ पर चेस्ट है, चेस्ट के अंदर रूबी की मिल गई हमको, मतलब डायमंड की, उसके बाद रूबी की, अभी प्लेटिनम की तो मिलनी ही चाहिए। चलो चलते हैं, इससे दरवाज़ा खुल जाएगा, वहाँ हमारा अल्टरनेटिव कोई एग्जिट था वहाँ पे। इधर एक और दरवाज़ा मिल गया, और इसको खोलने पर पानी आ गया अंदर भाई। माइनक्राफ्ट के लॉजिक चले गए, माइनक्राफ्ट के लॉजिक से पानी अंदर नहीं आना चाहिए दरवाजे के, पता नहीं कैसे आ गया। चलो कोई नहीं,
और मैं ये सोच रहा हूँ कि पानी के अंदर से कोई भूत वो निकल के खींच न ले मुझको भाई। पानी के अंदर डर लगता है, एक तो हॉरर गेम, उसके बाद पानी के अंदर जाना अच्छा नहीं है। एक और दरवाज़ा मिल गया भाई, दरवाजे इतने टनल के अंदर इतने दरवाजे कैसे आ गए? और ये क्या हुआ भाई साहब, इतनी तेज कौन चिल्ला के गया भाई? माइनक्राफ्ट को पूरी तरह से हॉरर बना के रखा है। यहाँ पर भी इतने सारे दरवाजे, अबे टनल के अंदर कितने दरवाजे डालोगे तुम लोग? यहाँ पे कुछ नहीं है, स्टोरेज रूम के अंदर भाई भेड़िया। अबे फिर से मिल गया, क्या चल रहा है ये? अब की तो हेल्थ भी लेके गया। मुझे स्वॉर्ड वार्ड दे दो तो मैं इनसे लड़ूँ भाई, पता नहीं मैं जीत भी पाऊँगा कि नहीं। इधर भी शायद दरवाजे मिलेंगे, और इधर तो कुछ नहीं, इधर एक दरवाज़ा है। चलते हैं फिर से, सारे के सारे इफेक्ट दे दो मुझको और कुछ नहीं। तो देख रहे हो गाइज, नौसिया का लेविटेशन का कितने सारे इफेक्ट दे दिए। वैसे नौसिया वाला इफेक्ट बहुत मस्त होता है, क्योंकि उसमें हम जैसे लगता है कि हमने शराब पी हुई है, मतलब रियल में नहीं पर फिर भी अच्छा लगता है उसको देखने के बाद। और हम लोग बाहर आ गए भाई, ये दरवाज़ा खोलने के बाद सीधा बाहर ही आ गए। तो गाइज ये था अपना एक नया एडवेंचर, बाकी मानना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा हॉरर गेम थी, मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।